भागलपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि 2025 में फिर से बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी। बीजेपी पूरी कर्मठता के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा है कि एनडीए में ऑल इज वेल है। बीजेपी और जेडीयू के बीच पुराना नाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी जितना मजबूत होगी एनडीए उतना मजबूत होगा। तो वहीं लालू यादव के अगस्त में मोदी सरकार गिराने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि लालू जी दिव्य स्वप्न देख रहे हैं, मुंगेरीलाल का हसीन सपना देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का कोई पद वैकेट नहीं है और वो अब जीवन में कभी सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते। मुझे लग रहा है लालू जी इस प्रकार का दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। मुंगेरी लाल का हसीन सपना जैसे है, उनको बराबर सत्ता दिखाई पड़ता है और उनको मालूम नहीं कि वो अब जीवन में कभी भी सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते हैं। और वो पुत्र के लिए जो पुत्र के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनको ये वियोग झेलना पड़ेगा अभी लंबे अरसे तक। मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, मैं वही कहा ना, लंबे अरसे तक कहीं दूर से भी मुख्यमंत्री का पद वैकेंट नहीं है और उनके लिए तो नहीं है। क्या होने जा रहा है 25 में? 25 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी और उसमें कहीं दो मत नहीं है। पूरी तरह से लालू जी निश्चिंत रहे, एनडीए चुन करके आने वाली है।